पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इंदौर आए केशव यादव का इंदौर एयरपोर्ट से कांग्रेस भवन तक जगह जगह मंच लगाकर स्वागत किया गया। वहीं एक वाहन रैली के रूप में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं कलेक्टर ऑफिस पर लगाए गए मंच पर केशव यादव को 50 किलो केले से तोला जाना था, जिसको लेकर कांग्रेसी केशव यादव को गाड़ी से उतारने लगे। तभी कुछ जेब कतरों भी वहां पर आ गए और भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर 4 से 5 कार्यकर्ताओं के जेब साफ कर रफू चक्कर हो गए। जैसे ही केशव यादव का काफिला आगे बढ़ा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब में हाथ डाला तो पता चला कि उनकी जेब कट चुकी थी। माथा पकड़े कांग्रेस कार्यकर्ता ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। एयरपोर्ट से गांधी भवन तक लाए काफिले से जनता को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। जहां मंच लगाए गए थे वहां काफी वाहनों की गौतम गुत्थी से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। हम एक तो केले से तोलेंगे उनको, फिर मालवा की जो हमारी शान है मालवी पगड़ी पहना के उनका स्वागत करेंगे, और उसके अलावा हम 50 किलो का एक हाथ तिरंगा हाथ आए हैं वो पहना के उनका स्वागत करेंगे और शंखनाद करेंगे युवाओं के साथ में मिलके और मध्य प्रदेश में बदलाव लाने की कोशिश।